अपनी बजट स्पीच में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि वो अब बाहर जाके विदेशी मुद्रा में हिंदुस्तान के सरकार के बॉन्ड्स को फ्लोट करेंगी और वहां से पैसा उठाएंगी, और बाद में पता चला कि पहला उनका निशाना जो है, पहला उनका जो टारगेट है वो $10 बिलियन का है, तो मैंने तो खूब तालियों के साथ उसका स्वागत किया था उस अनाउंसमेंट का। तो ये था पहला बाउंसर जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकदम हुक कर दिया और बड़े सिक्स के लिए इसको हुक कर दिया, वैक। एक ही स्ट्रोक में जो फॉरेन करेंसी रिस्क था वो उन्होंने अपने बजट पे, अपने फिस्कल अकाउंट्स पे ले आई, जिसकी वजह से जो हमारी लोकल बॉन्ड मार्केट्स हैं उनमें तो खुशी की लहर दौड़ गई, बहुत खुश हो गए सब लोग, क्योंकि अब लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स हमारे बॉन्ड मार्केट्स में कम हो जाएंगे। खासकर मैं तो बहुत खुश था, आई वॉज थ्रिल्ड कि वो एक एंटरप्रेन्योरियल रिस्क ले रही थी, क्योंकि आप समझिए कि हमारी जो फॉरेन डेट है वो हमारे जीडीपी के मुकाबले बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सेफ हमने उसको रखा हुआ है, सिर्फ 3.8% पे, बहुत ज़्यादा सेफ है। देखिए ज़रा जो मैंने कहा या जो मैंने लिखा ज़रा उसको थोड़ा समझिए। मैंने ये नहीं कहा था कि ये बिल्कुल आसान होगा और मैंने ये कि अनक्वालिफाइड एकदम आसान चीज़ है और ये करनी चाहिए। मैंने कहा था कि इसमें मुश्किलें हैं, इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्योंकि अब सरकार को नए तरह के स्किल खोजने पड़ेंगे अपने अपने ऑफिसर्स में, उनको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से बाहर की वॉलेटाइल जो बाहर की विदेशी मुद्रा की जो मार्केट्स हैं उनमें किस तरह से ट्रेजरी मैनेजमेंट किया जाए, उसमें किस तरह से हेजिंग किया जाए। और मैंने ये भी कहा था कि जिन दिनों विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है, जिसको कैपिटल फ्लाइट कहा जाता है, तब तो ये रिस्क जो है, जो मुश्किलें हैं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि क्योंकि ये मुश्किल है, क्योंकि ये रिस्की है, इसकी वजह से ही ये एक एंटरप्रेन्योर चीज है, ये एक अच्छी चीज है जिसमें सरकार थोड़ी रिस्क ले रही है और उसकी वजह से हमको काफी ज्यादा फायदे भी हो सकते हैं। पर जैसे कि अक्सर होता है, कई लोग जिनको अंग्रेजी में ने शेयर्स कहा जाए और हिंदी में हम कह सकते हैं जो लोग की ना नुक्कर करते हैं, वो उन्होंने इसकी खिलाफत करी। देखिए अश्विनी महाजन जो कि आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये तो एंटी पेट्रियाटिक है, ये देश के हितों के खिलाफ है, क्योंकि अमीर देश इस तरह से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे हावी हो जाएंगे। अब यशवंत सिन्हा जो कि बीजेपी के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये आज की जो क्लाइमेट है जिसमें कि ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें तो ये बहुत ही एक मुश्किल और एक रिस्की चीज़ बन जाती है। रघुराम राजन जो कि ऑल्सो एक पुराने एक्स आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा कि ये तो फैडिश है, मतलब कि जिस दिन इन्वेस्टर्स को हिंदुस्तान अच्छा लगेगा वो उसमें पैसा डालेंगे, जिस दिन उनको हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगेगा तो एकदम बाहर निकाल के अपना पैसा चले जाएंगे। और सी रंगराजन जो कि भी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही रिस्की है। और रतन रॉय जो कि प्रधानमंत्री मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि इससे हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारी जो स्वायत्तता है देश की, उस पर एक बहुत ज़्यादा एक प्रश्न चिन्ह उस पर लग जाएगा। मैं तो अपनी आंखें कुछ मलता रह गया, क्योंकि मैं देख रहा था कि इनमें से कई लोग तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल उदारवादी सोच वाले लोग हैं, कई हैं सेंट्रिस्ट हैं जो कि मध्यम धारा वाला जिनकी सोच है, और कई तो अल्ट्रा राइट विंगर्स हैं जैसे कि आरएसएस के अश्विनी महाजन। और लेकिन इन सब लोगों की विचारधारा इतनी अलग होती है यूजुअली, लेकिन इस बार सॉवरेन बॉन्ड के मुद्दे में सब एकदम सबकी अलाइनमेंट हो गई, सबने एक ही स्वर में कहा कि हम लोगों को ये सॉवरेन बॉन्ड नहीं लेना चाहिए। और इस बार जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन थी, उनका जो कहना था कि इस दमदार आइडिया को खत्म कर दिया जाए, इसको एकदम बंद कर दिया जाए, मुझे लगता है इसमें जो उनकी सोचने की जो सोच है उसके पीछे वो थोड़ी फ्लॉड है, गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मुश्किल को, डिफिकल्ट को उन्होंने बुरा कह दिया है, बैड कह दिया है, और जो रिस्की चीज है उसको उन्होंने हानिकारक कह दिया। लेकिन ये जो उन्होंने जो कॉन्फ्लेशन करी है ये मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं आपके सामने एक बाय एक, वन बाय वन, ये जो ऑब्जेक्शंस हैं उन सबको आपके सामने उनको एग्जामिन करना चाहता हूं। तो ऑब्जेक्शन नंबर वन तो ये है, डॉलर रुपए में उतार चढ़ाव से लंबी अवधि में लागत बढ़ेगी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ये गलत बात है। मुझे 2019 में बॉन्ड खरीदना है और अभी डॉलर की कीमत करीबन 68 रुपीज है, लेकिन 2020 में डॉलर 75 रुपीज हो गया, तो क्योंकि अगर हम अपनी सारी डॉलर बोरोइंग को हेज करते हैं और हेजिंग कॉस्ट हम मान लीजिए कोई 4% का उस पर प्रीमियम देते हैं, तो हमको हमेशा पता होगा कि हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी कॉस्ट जो है हमेशा कंट्रोल्ड भी रहेगी और हमेशा क्वांटिफाइबल रहेगी, हमको पता होगा कि वो कॉस्ट क्या होगा। ये मैं मानता हूं कि हेजिंग करने की वजह से जो टोटल इंटरेस्ट रेट है, टोटल इंटरेस्ट रेट जो सरकार को देना होगा वो शायद थोड़ा बढ़ जाएगा इसके मुकाबले कि वो अगर हमारी डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उठाए सरकार, तो शायद ओवरसीज मार्केट में हेजिंग कॉस्ट की वजह से उसको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ जाए। लेकिन
उसका जो फायदा होगा, उसकी जो कॉम्पेंसेशन होगी, वो ये होगी कि जो प्राइवेट बोरोअर है उसको अब हिंदुस्तान की लोकल मार्केट में इस साल 70,000 करोड़ रुपए ज्यादा बोरो करने की उसमें क्षमता आ जाएगी, उसमें वो उतना हेडरूम हिंदुस्तान की लोकल बॉन्ड मार्केट में बन जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्शन नंबर दो, विदेश से फंड जुटाने की जरूरत ही क्या है, जब आप विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से घरेलू बाजार में और कर्ज देने को कह सकते हैं तो इसका मतलब है उन्हें रुपए में भुनाए जाने वाले अधिक बॉन्ड बेचे जा सकते हैं। गलत बात है। देखिए ऐसे करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल भी और इंस्टीट्यूशनल भी बाहर, जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा उनके पास पूंजी है निवेश करने के लिए, लेकिन वो कभी भी एक ऐसी मार्केट में नहीं आएंगे जो ना जानते हैं उस मार्केट की उनको समझ नहीं है, और वो मार्केट उतनी लिक्विड नहीं है, इलिक्विड है। तो हमारी जो हिंदुस्तान की बॉन्ड मार्केट है वो ऐसे इन्वेस्टर्स को ना उनको उसके पास कोई जान पहचान है, उसको इलिक्विड मानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि उनको डर लगता है कि अनफेमिलियर है तो हम यहाँ पे कैसे जा सकते हैं, और जो हिंदुस्तान की करेंसी है रुपी उसको भी वो लोग नहीं जानते, वो अपना डॉलर करेंसी को जानते हैं। तो अगर हम विदेशी मुद्रा में बाहर जाकर ऐसे बॉन्ड अपने बेचेंगी सरकार, तो एक इंटायरली न्यू, एक बिल्कुल ही नया यूनिवर्स ऑफ इन्वेस्टर्स उसको मिलेगा, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे होगा या लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे होगा या हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। तो ये कहना कि वो जो करोड़ों नए निवेशक हैं वो बराबरी उनकी हो सकती है कुछ चंद ऑथराइज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की जो कि हिंदुस्तान के रुपए बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, तो ये इक्वेशन करना तो ये गलत है। इसको तो ऐसे कहना है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं चौक खाता हूं तो मुझे उसमें चीज का स्वाद आता है, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखिए ऑब्जेक्शन नंबर तीन, मुश्किल घड़ी में जब विदेशी निवेशक देश से तेजी से पैसा निकाल रहे होंगे तब भारत इन बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट कर सकता है। आपकी हिंदुस्तान की क्षमता को थोड़ा बिल्कुल बिलिटल कर रहे हैं, उसको छोटा समझ रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो जो बाहर काम करते हैं वो 70 बिलियन डॉलर, मतलब बिलियन विद बी, 70 बिलियन डॉलर हर साल अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, बहनों को, पिता माता को भेजते हैं, हर साल वो भेजते हैं 70 बिलियन डॉलर। और ये भी मानिए कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो कम से कम 100 बिलियन डॉलर, बी विद बिलियन विद बी, वो अपने बैंक डिपॉजिट्स में हिंदुस्तान में रखते हैं। तो इसकी वजह से एक और आंकड़ा आपको देता हूं कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज हैं वो हैं 430 बिलियन डॉलर, यानी कि जो 10 बिलियन डॉलर हम सोच रहे हैं हम बाहर जाके सॉवरेन बॉन्ड्स लेंगे उसके 43 गुना है, 43 टाइम्स, और ये बढ़ रहे हैं, ये हमारी जो पूंजी है बढ़ रही है। इसके बाद भी आप कहते हैं ये रिस्की है, अगर इसके बाद भी आप कहते हैं ये रिस्की है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को छोड़ देना चाहिए और हम लोगों को क्या कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। और अब देखिए चौथी ऑब्जेक्शन, सॉवरेन बॉन्ड का सिर्फ यही फायदा है ना कि सरकार को सस्ता कर्ज मिलेगा, अगर मकसद यही है तो आरबीआई से रेपो रेट घटाने को क्यों ना कहा जाए। ये तो एकदम ही बेफजूल बात है, ये रबिश बात है, क्योंकि अगर एक ऑर्डर देने से, किसी सरकारी एजेंसी की ऑर्डर देने से जो मार्केट वेरिएबल होते हैं उनको हम एकदम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको एकदम टेम कर सकते हैं, तो फिर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की जरूरत ही क्या है। फिर तो सरकार को कहना चाहिए कि जैसे आजकल के लोग सीरी को इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने फोन्स पर, तो सरकार को कहना चाहिए देखिए सीरी आप नौकरियां बनाइए, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है हमारी जीडीपी में उसको 16% से बढ़ा के 25% कर दीजिए, आप जो फार्मर्स की इनकम है उसको दुगना कर दीजिए 2022 तक, और ये जो सारे कार के शोरूम जो आज बंद हो रहे हैं उनको खोल दीजिए। आई फाउंड दिस ऑन द वेब, और ये तो जैसे वो जो कहानी होती थी बचपन में हम पढ़ते थे कि खुल जा सिमसिम, तो सरकार का खुल जा सिमसिम और खुल जा सिमसिम, इस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी थोड़ा ना बनती है। तो मेरे प्रिय भारत वासियों, मेरे बहनों भाइयों, देखिए जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं ये मुश्किल भी हैं और ये रिस्की भी हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं, इसी वजह से हम लोगों में अपने में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम लोगों में रिस्क लेने की शक्ति होनी चाहिए और हमको जाके इनको लॉन्च करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि जब लॉन्च करें तो समझदारी से लॉन्च करें, एक टाइट कंट्रोल करके लॉन्च इनको लॉन्च करना चाहिए।